म्यूजियम है, थोड़े न्यू तरीके से भी दिखाई गई चीज़ों को, यहाँ पे प्रिजनर्स कैसे रहते थे। और ये जो लैंड है पूरा स्पाइक आइलैंड का, ये 104 एकर्स पड़ा है, बहुत बड़ा आइलैंड है। तो बहुत कुछ यहाँ पे देखा, बट नाउ आई एम रनिंग लेट, हमको वापस से फेरी से जाना है। सो इट्स बेसिकली इट्स अबाउट द प्रिजन, सो लेट्स सी कि आइलैंड कैसा है और क्या क्या है। इंटर्निस वो थे जिनके ऊपर कुछ भी वो नहीं था, चार्ज नहीं था, उनको ला करके रख दिया था, उनको अलग सेल पे रहते थे। उनके नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कहीं पर क्लिक करो सर्च प्रिजनर्स पे क्लिक करो। और ये वो प्रिजनर है जो जिनके ऊपर चार्ज पहले से ही थे, क्लिक करो सर टाइप। देखो रिकॉर्ड्स ऑफ रिपब्लिशन प्रिजनर, सब सबके नाम आ रहे हैं यहाँ पे देखो। एड्रेस ये काउंटी कॉर्क, फोटो नहीं है मोर इन्फो, ये रहेंगे फोटो। तो गाइस आप लोग यहां देख सकते हैं कि जो ये स्पाइक आइलैंड के अंदर जो जेल बनाई गई थी, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि इसका एक ही सिंगल एंट्री पॉइंट होना और एग्जिट पॉइंट मिलना। जैसा आप देख पाएंगे कि ये दो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ लैंड है, इसके बीच में एक सिंगल पॉइंट बन रहा है जिसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो इस हार्बर के अंदर, इस बंदरगाह के अंदर। बाकी फिर अगर आप कैमरा को थोड़ा रोटेट करेंगे तो उस पॉइंट से लेके चारों तरफ 360 डिग्री में आपको लैंड मिलेगा, सिर्फ लैंड ही लैंड। और उसके बाद ये सारा लैंड लॉक हो जा रहा है, बस सिंगल पॉइंट तो हमारा ट्रिप हो गया स्पाइक आइलैंड का पूरा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा स्पाइक आइलैंड।